लस्सी जैसी कोई नहीं। राज, तूने कहा था ना, मैं जिसे भी चूज करूं दूसरी कंपनी चलाने के लिए, उसे गुलमोर से लगा होना चाहिए, और तभी वो गुलमोर के फायदे की सोचेगा। हाँ, लेकिन सच्चाई, ट्रस्ट, हमारे लिए प्यार, हमारी कंपनी के लिए प्यार, ये सब क्वालिटीज एक इंसान में कहाँ मिलेंगी? तू तो अपनी और मेरी बात कर रहा है। और भी कोई है जिसकी मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ? कौन? कोई स्पेसशिप से उतरा है क्या जिसने तेरे पे जादू कर दिया है? स्पेसशिप से तो नहीं उतरी, लेकिन दूसरे प्लैनेट की दिखती जरूर है। उतरी है? वेट अ मिनट, तू कहीं अपनी चमकती दांतों वाली एलियन की बात तो नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। इस वक्त मैं जस्सी से ज्यादा ट्रस्ट किस पे कर सकता हूँ? ऐसा क्या कर दिया है जस्सी द जीनियस ने? उसने जो किया है, अगर तुम सुनोगे तो तुम खुद हैरान हो जाओगे। मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, उसके लिए जस्सी से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू बाबा जी। आज मुझे बाबा जी और पापा जी दोनों एक ही लग रहे हैं। थैंक यू मामा। आप ही नहीं तो इन दोनों से मुझे मिल रहा है। अगर आप सब ना होते तो मुझे किसी और को भी थैंक यू कहना। मुझे तो आपको थैंक यू कहना भी नहीं आता, लेकिन थैंक यू अरमान सर। 6 करोड़ का 5%, 30 लाख। 30 लाख में तो मर्सिडीज आ सकती है, ऐश्वर्या राय आ सकती है, 2 बेडरूम का फ्लैट मिल सकता है। 30 लाख में आईएएस का दूल्हा मिल जाता है। तेरे मेरे लिए भी 30 लाख मायने रखता है, और जसी ने उसे यूं ही जाने दिया। इतने पैसे के लिए किसी का भी सर घूम सकता है? वही तो राज, जसी के पास खानदानी पैसा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके घर में तो पैसे की प्रॉब्लम है, और उसके फादर की नौकरी का भी चक्कर है। 30 लाख में अपने पापा जी के लिए नया बिजनेस खोल सकती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके अपने आदर्श है। उसका आदर्श और उसका अरमान तू है अरमान। राज, मैं मेरी बात, तू उसके लिए सब कुछ, और तूने उसके लिए क्या किया? पहले सेक्रेटरी से असिस्टेंट बनाया, अब असिस्टेंट से उसे वाइस प्रेसिडेंट बना। जाने बना बना, लेकिन खुद भी तो कुछ बन। क्या? उसका आदर्श, एक आदर्श बॉस। बैठ बैठ बैठ, अब सोच यार, कब तक वो बेचारी तेरे प्यार में सच्चाई की देवी बनी रही? आफ्टर ऑल, देवी एंड देवी की फैमिली को जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। राज, कहना क्या चाहते हैं? वो अब भी नहीं समझा। तूने उसकी सैलरी बढ़ाई, तू जानता है कि अब भी वो सेक्रेटरी की सैलरी पे काम कर रही है। तू उसे इंप्रेस्ड है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। उसकी भी तो प्रॉब्लम समझना, सैलरी बढ़ा, तू तो उसके लिए कुछ कर। Yes, sir. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? Thank you, sir. क्या? क्या पूछ रहा हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों? क्या सर? तो डरती हो मुझसे? जी सर। क्यों? क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो हमेशा अपने एम्प्लॉय से सताता रहता है, उनसे काम और काम करवाता रहता है, चिल्लाता रहता है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है? काटो। ऐसा तनख्वाह तो मिल गई सर। क्या मैं तुम्हें बेरहम, बदतमीज और पत्थर दिल इंसान लगता हूँ? देखो, सच बताना। जिस ठीक है, मैं आपसे डरती हूँ, और आप कभी कभी बहुत ज्यादा चिल्ला देते हैं, बस मुझे और कोई शिकायत नहीं है। शिकायत? आप ही ने कहा ना सच कहने के लिए। तुमने अभी तक मुझे पूरी बात नहीं बताई। मैंने तुम्हें प्रमोट किया तो तुम्हारी सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए थी ना। जी। तो मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? आप बिजी थे सर। लेकिन तुम तो नहीं थी ना। जी सर। मुझे याद दिलाना चाहिए था जैसे। सर, आप वो लावण्या डिलीवरी, उनसे मैं उलझे हुए थे। लावण्या में मैं नहीं, तुम उलझी हुई थी, और फिर तुम्हारे घर में पैसे की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तुमने मुझे बताया नहीं। जैसे अगर मैं पागल हूं ना,
तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी पागल। जी सर। कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 8,000 ग्रॉस और TDS पेंशन और ग्रेच्युटी काट कर 7,500। इतनी कम सैलरी में इतनी सारी मेहनत, ओवर टाइम और फाइनेंस की जिम्मेदारी पूरी कर लेती। ठीक है सर, आप बिल्कुल नहीं, डबल कर दो सर। फिर कितनी होगी? 1,600, 1,400 बस। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर महीना कम से कम 20,000 रुपये। 20 यानी ग्रॉस? ग्रॉस वॉस तुम मनचंदा से बताना, ये मेरा ऑर्डर है। यस सर, थैंक यू सर। डर कर क्या रही है, दिल से क्या रही है? जी सर, दिल से। अगली बार अगर तुम कुछ भूली ना तो मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं। अब यहाँ खड़ी मत रहो, इसलिए तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। एक नई कंपनी खोलनी है, प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और बाकी पेपर्स तैयार। कंपनी किसके नाम है? बाकी डिटेल्स मुझे कर दो। ओके, सारी ऑफिस की जिम्मेदारी जस्सी के हाथों में। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना अंकल। अरमान राज और मैं जाएंगे हांगकांग और यहाँ पर ऑफिस चलाएगी जस्सी। वेल बेटा, इस काबिल और है ही कौन? किसी ना किसी को तो ये जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी ना तुम लोगों के पीछे। और फिर लास्ट बोर्ड मीटिंग में काफी इंप्रेस हुआ मैं, जिस तरह से जस्सी ने कंपनी की परफॉर्मेंस प्रेजेंट की थी। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उसने सेल्स फिगर्स घुमा फिरा कर प्रेजेंट किए हो तो। नहीं अंकल, अरमान ऐसा नहीं करेगा और ना ही किसी को ऐसा करने देगा। लेकिन हर बात में जस्सी की एडवाइस और वो लावण्या का सजेशन भी जस्सी का ही था। लेकिन वो मैटर तो क्लियर हो गया था ना कि उसने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन आंटी, लावण्या से पहले फैब्रिक्स और अब एक्सेसरीज भी। लावण्या से एक्सेसरीज भी? लेकिन गुलमोहर ने तो उनके साथ कभी ऐसा। एग्जैक्टली अंकल, आज तक हमने उनसे कभी फैब्रिक तक नहीं लिया। उनके फैब्रिक की क्वालिटी तो आप जानते ही हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे क्लाइंट्स ने हमारे कलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया तो। कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। अरे तो क्या कल करें डायल, अपने मरने के बाद? अरे किसे लगा रहा है तू, क्यों मर रहा है, क्या बात सता रही है तुझे? जस्सी के पापा जी का घर यही है क्या? तूने फोन क्यों नहीं किया? मुझे चिंता हो रही थी, मैं फोन कर करके थक गया। बेटा बताना क्या हुआ? होने को तो आज बहुत कुछ हो जाता पापा जी। पता है लावण्या के और गुलाटी की जो भी फोन पे मेरे बारे में बात हो रही थी ना, वो सब आर्यन से ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो अरमान से कुछ सुनाना चाहते थे। लेकिन अच्छा हुआ मैंने अरमान से सब कुछ पहले ही साफ साफ बता दिया था। तेरी मनी में क्या बातें, तूने क्या कहा अरमान सर से? मामा, लावण्या नाम की एक कंपनी है और उन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। पर मैंने थोड़ी ना ली बेबे। क्या उन्होंने तुझे? अरमान सर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी और मुझे थैंक यू भी कहा कि मैंने सच्ची बात बताई। वो तो पापा जी ने हिम्मत दी, वरना मैं तो फिसल ही गई थी। ऐसे कैसे फिसल नहीं देता? जसमीत वालिया, लेडी ऑफ बलवंत वालिया, किसी के चार फेंके हुए पैसों पर फिसलने वाली नहीं है। कभी नहीं पापा जी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने मेरा सीना है। पापा जी, आपकी शर्ट फट जाएगी। हम लोग तो जैसे इस घर में रहते ही नहीं है, पता नहीं बाप बेटी क्या पकाते रहते हैं और खुद ही उसका स्वाद भी लेते रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है बेबी, स्वाद तो आप सभी चखोगे, क्योंकि असली बात तो मैंने अभी बताई नहीं। सच्चाई का स्वाद मीठा होता है, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन इतना मीठा, मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। जसमीत वालिया, बेटी ऑफ बलवंत वालिया, वो अब हर महीने 20,000 मिला करेंगे। खुद अरमान सर ने बढ़ाई। बाबा जी को बड़े बड़े लड्डू चढ़ाना, वो भी मुस्कुरा गए। इन आंसुओं से ना बाबा जी बोर हो गए। ये आंसू नहीं मोती है बेटा, बाबा जी ने मुझे दिए, और ये मोती मैं हर रोज बाबा जी को चढ़ाती हूँ। मैं भी आपको मोतियों की माला बनाऊंगी और मांगी बूंदे हैदराबादी पर्ल। देखा कैसे आईनी की खर्चा भी करना शुरू हो गया। चल जा, तुम हाथ धो के कपड़े बना।
मथुरा जाकर आराम कर। जो होना था तो हो गया, दिल सच्चा था तो इनाम मिला। बुरी नजर को मात हुई, जस्सी रानी जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई। बस बाबा जी की कृपा बनी रहे। तू फिकर कम कर, जस्सी की तनख्वाह बढ़ गई है, ख्याल रखता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो आज हम लाइट नहीं जलाएंगे, वेरी रोमांटिक। लेकिन मुझे तुम गर्मी में क्यों मार रही हो? ये क्यों करो? वो क्या ना राज, आज मेरा शॉक सर्किट हो गया। ओह, फिर भी इतना तरक मार रही हो तुम? रात ठंड इलेक्ट्रिसिटी। ओह, नेवर माइंड, नेवर माइंड। हम तुम एक कमरे में बंद हो और लाइट चली जाए। लेकिन तुम तो मेरे पास आ सकती हो ना? तुम कोई महारानी हो? नहीं। मैं कोई राजा हूँ? नहीं। तो हम अपने प्यार का ऐलान क्यों करेंगे? राज, प्रॉब्लम क्या है? मैं डिवोर्स्ड हूँ, तुम सिंगल हो, इसमें छुपाने की क्या बात है? इसमें किसी को बताने की भी क्या जरूरत है? कोई गिफ्ट स्कीम चल रही है क्या कि अपने लवर का नाम बताओ और ढेर सारे गिफ्ट ले जाओ? राज, तुमको शर्म आ रही है कि तुम एक सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो? मैं किसी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। राज, मैं भी तो सेक्रेटरी हूँ ना। परी, मैंने तुम्हें कभी सेक्रेटरी की तरह नहीं देखा है, लेकिन तुम बहुत जल्दी कर रही हो। मैंने तुम्हें उंगली दी है और तुम मेरे दोनों हाथ बांध रही हो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम जिंदगी भर किसी सेक्रेटरी के साथ नजर आओ। मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे सारे काम करूँ। Imagine how much time we get to spend with each other, really? Let's get to our sisters, Ronaldo. Raj, क्या हुआ राज? तुम जस्सी क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि सब उसकी बातें सुन रहे हैं, उसका स्क्रब नहीं कर सकते। I mean, assistant बनाने में क्या problem है? तुम मुझे अपने आसपास नहीं चाहते? Really, Raj. मैं अच्छा मौका देखते ही तुम्हें जस्सी बनाऊंगा। अपना जस्सी बनाऊंगा। यार जस्सी ऑफिस आई नहीं है या आने नहीं वाली है, या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट है? भगवान जाने, शी इज इम्पॉसिबल। सुबह से लेकर अभी तक दिखाई नहीं पड़ी और ना ही अपने कैबिन में। ऑफिस वालों से पूछो तो कोई कहता है देखा नहीं है और कोई कहता है आई नहीं है। जैसे आप आ गए, तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं कि तुम जब मन में आए ऑफिस आओ। कहाँ थे तुम? जब मैं तो टाइम पे आ गई थी, आप कैबिन में नहीं थे तो मैंने सोचा अपना थोड़ा काम कर लूं और मैं गुलाटी सर के कैबिन में गई। और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने कैबिन में क्यों नहीं? सॉरी सर। अच्छा, वो पेपर तैयार हो गए? नई कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरे पास। यार तू फिर अपने पुराने मोड पे चला गया, रिलैक्स। सर ये अब इन्हें मैं भरूंगा, बैठो। सर कुछ नहीं। जस्सी तुम कुछ कहना चाहती हो? देखो अगर तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा और तुम्हारे पेट का दर्द हमें बहुत महंगा पड़ता है। अब कुछ बोलोगे? नहीं तो वो
वो मैं सोच रही थी कि हम लावण्या से 5% डिस्काउंट और ले सकते हैं। क्यों, तुम्हारी उनसे वापस बात होगी? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर क्यों देंगे हमें डिस्काउंट? सर क्योंकि मैं कमीशन तो ले नहीं रही, तो वही अमाउंट वो हमें डिस्काउंट में तो दे सकते हैं। अब से मैं यानी गुलमोह लावण्या के साथ कोई डील नहीं करेगा। यह हमारा पहला और आखिर काम है। क्यों अरमान, हमारी तरफ से कोई कमी? कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तुम लोगों की तरफ से तेजी जरूर है। मैंने तुम लोगों को एक मौका दिया और तुम लोगों ने बड़े मौके से मेरी सत्संग को फंसा दिया। जस ने कमीशन नहीं लेंगे और अब आगे से गुलमोहर लावण्या से मटेरियल नहीं लेगा। अरमान देखो, मैंने सप्लाई तो तुरंत किया और मेरे मटेरियल में कोई कमी भी नहीं। प्लीज, एक तरीका है, अगर तुम हमें 5% का डिस्काउंट और क्यों मार्केट में बिजनेस ऐसे ही होता है ना शास्त्र, ठीक है अरमान, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा के कल ही तुम्हारे ऑफिस पहुंचा दूं। कल नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। यस। जसी, तुम उसे चेक कर लेना। यस सर। एंड थैंक्स जसी। और तुम साथ में रहो। तुम तैयार हो जैसी? जी। तो अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसको नहीं है, कॉफी शॉप है। कम ऑन, आओ। यो यो यो। क्या पसंद करोगी जैसी, मुक्का या लाते? मेरा मतलब है मोका या लाते, कॉफी के नाम है। मोका ट्राई करो। जैसी, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, हम यहां सेलिब्रेट करने आए। अपनी नई कंपनी खोलने की खुशी में यहां पे आए। क्या पता ये कंपनी कल गुलमोहर इतनी बड़ी बन जाए, या फिर गुलमोहर से भी बड़ी बन जाए एक दिन। बोलो। एक्सक्यूज मी, थ्री मोका कॉफी। जैसे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आई? जी सर। निकाल। इसे मैं रखूं? जैसे इस नई कंपनी का नाम क्या रखें? कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ओके, 30 लाख। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जसमीत बलवंत वालिया। जसमीत बलवंत वालिया। और तुम्हारा पूरा पता क्या है? पता 104 बी विंग, इंदिरा नगर, मुंबई 102। मुंबई 102। डन। कंग्रेचुलेशन, मिली हमारी कंपनी की नई ओनर से। 30 लाख की कंपनी तुम चलाओगी। मालिक मुबारक हो। जैसे आपसे कंपनी तुम्हारी, आपसे तुम्हें तुम्हारी। कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।